और ये आज की नहीं है, ये 97 की खबर है, आपको आज पता चली है। ये 97 की खबर कैसे है वो मैं बताता हूँ। बार बार आपने कैसेट में सुना होगा और मेरे भाषण में भी सुना होगा, ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। वो जो मैं कहता था उसका कुछ आधार था। मैंने बार बार कहा है कि मैं कभी बिना आधार के कुछ कहता नहीं। तो वो आधार क्या था, 1997 में हम लोगों के कुछ मित्रों ने दो लेबोरेटरीज में पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, मिरिंडा ये सब टेस्ट किया था। ये एक यूनिट अगर पेप्सी हो, एक यूनिट माने 300 मिलीलीटर, उसको टेस्ट करना हो तो 6 महीना लगता है। केमिकल एनालिसिस बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, उसमें बहुत समय लगता है। हिंदुस्तान में कोई भी लेबोरेटरी हो, अच्छी से अच्छी लेबोरेटरी जिसको NCL पूना कह सकते हैं आप, वहां भी अगर पेप्सी का 300 मिलीलीटर चेक करना हो तो 6 महीने लग जाएगा। और कोका कोला में भी लगभग 6 महीना लगता है, 6 महीने के पहले आप रिजल्ट नहीं देख सकते। तो 97 में ऐसा हुआ था और उस समय मैंने थोड़ा बंबई और इधर घूमना शुरू किया था, पश्चिम भारत दक्षिण में, तब ये हुआ था। और जिस लेबोरेटरी ने सबसे पहले इसको टेस्ट किया था उसकी रिपोर्ट ये है जो आपको उदय भाई दिखा रहे हैं। ये उदय भाई को मैंने पिछली बार दिया था, कहाँ दिया था, चेन्नई में दिया था, मैंने तीर्थहल्ली में दिया था, है कृष्ण। तो ये तो आज आप अखबार में पढ़ रहे हैं, तीर्थहल्ली तो मैं 15 दिन पहले में था ना, और इनके यहां भी 15-20 दिन पहले था। ये रिपोर्ट 97 से मेरे पास है, यही रिपोर्ट है जो आज CSE वाले कह रहे हैं। इतना ही फर्क है कि CSE ने अभी टेस्ट करके रिपोर्ट को फाइनल माने पब्लिश कराया, दो लेबोरेटरीज ने उसके पहले कर दिया था। एक लेबोरेटरी अहमदाबाद की है, दूसरी एक लेबोरेटरी है दिल्ली की है। तो वो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है वो एक मैगजीन ने बड़े मुश्किल से पब्लिश किया था, कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था। ये एक मैगजीन निकलती है हिंदुस्तान में, बहुत कम बिकती है, 5000 भी सर्कुलेशन नहीं है। मैगजीन का नाम है कंज्यूमर कन्फ्रंटेशन, अहमदाबाद में छपती है, बंबई में छपती है, मुख्य कार्यालय इनका बंबई है, अहमदाबाद इनका एक दूसरा भी ऑफिस है। तो मुश्किल से 5000 छपती है। इस मैगजीन ने बड़े मुश्किल से ये रिपोर्ट पब्लिश किया था। अब चूंकि ये कोई बहुत पॉपुलर मैगजीन नहीं है हिंदुस्तान में, इसका नाम भी कोई नहीं जानता है, ये मैगजीन सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजी जाती है जो इस संस्था के डोनर हैं या उसको कुछ पैसा वैसा दान करते हैं, बाकी बाजार में नहीं मिलती, स्टॉल पे नहीं बिकती वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये प्रिंट किया था। उस समय भी रिपोर्ट यही थी, पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा में जो कुछ उन्होंने टेस्ट किया था उसके 2-3 मैं आपको वाक्य सुना देता हूं। ओनली द कोलाज हैड अ कैफीन कंटेंट, कैफीन भी है जो सुनीता नारायण ने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इस एनालिसिस में ऐसी बहुत सारी बातें जो सुनीता नारायण भी नहीं जानती होगी शायद, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया उस पे। ओनली द कोलाज हैड अ कैफीन कंटेंट विद अ रेंज फ्रॉम 93 to 111 PPM। कैफीन आप जानते हैं एक केमिकल है जो एक तरह से नशा लाता है, कॉफी में होता है, लेकिन कॉफी से भी ज्यादा खतरनाक पेप्सी और कोका कोला में होता है। 111 PPM है, और अमेरिका में उसी समय उन्होंने जब टेस्ट करके बताया था तो अमेरिका में कैफीन का जो परसेंटेज था वो 7.3 PPM था और यहां पे 111 PPM था। PPM का माने पर पार्ट मिलियन, एक मिलियन में पार्ट पर मिलियन, एक मिलियन 10 लाख का होता है। तो 111 यहां था, 111 यहां था, जबकि अमेरिका में 7.3 था। तो उस समय कैफीन भी बहुत ज्यादा था, उन्होंने बता दिया था। इसमें आर्सेनिक भी बहुत है, आर्सेनिक भी इसमें बहुत है, उन्होंने आर्सेनिक भी टेस्ट किया था, कैडमियम टेस्ट किया था उन्होंने, इसमें कैडमियम भी है, जिंक भी है, और लेड सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं लेड के बारे में, लेड इतना खतरनाक जहर होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है वो मां का गर्भ होता है, लेकिन लेड उसको भी तोड़ने की क्षमता रखता है, किसी बच्चे को मां के गर्भ के अंदर भी हिट कर सकता है लेड, उसको सेरिब्रल फॉल्सी में डाल सकता है और कोई भयंकर बीमारी में डाल, माने मां के शरीर में अगर लेड गया तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में पहुंचना भी बहुत आसान है, जबकि दूसरे जहर आसानी से नहीं पहुंच पाते लेड को छोड़कर।
तो लेड इसमें है, कैडमियम इसमें है, जिंक इसमें है, कॉपर इसमें है, आर्सेनिक इसमें, इतने सारे केमिकल हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो 97 की है। हम कोशिश करेंगे कि सब कार्यकर्ताओं को ये रिपोर्ट मिल जाए। आप ये है अंग्रेजी में, लेकिन आप इसको ले जाइए, इसको स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए। स्थानीय भाषा में माने तमिल में कर लीजिए, आप कन्नड़ में कर लीजिए, कोई मराठी में कर लेगा, कोई गुजराती में कर लेगा, और इसके आधार पर नया पत्रक बनाइए। अपने जो पुराने पत्रक हैं पेप्सी कोक के, उन पत्रकों को भी बेस रखिए। अपने पुराने पत्रक जितने भी हैं वो सभी इसी रिपोर्ट के आधार पर है। अब इस रिपोर्ट में पीएच भी कैलकुलेट किया हुआ है, हमने उन समय पीएच भी करवाया था कैलकुलेट। तो पेप्सी का, कोका कोला का पीएच है 2.4, पेप्सी कोला का है 2.4, थम्सअप का 2.5, फेंटा का 3, मिरिंडा का 2.8, गोल्ड स्पॉट का 3, लहर 7 अप का 3.3, सिट्रा 3, टीम लहर टीम का 2.5 और लिमका का 2.7। अभी ये पीएच का मतलब समझा देता हूं। पानी जो आप पीते हैं वो 7 पीएच का होता है, जिसको सुनीता नारायण ब्लेम कर रही है कि पानी खराब है। पानी 7 पीएच का होता है, और 7 पीएच की कोई भी चीज पीने लायक होती है, नॉर्मल होती है, शुद्ध होती है। पीएच जो है किसी भी लिक्विड की एसिडिटी को टेस्ट करने का पैमाना है। जैसे हम किलो में कोई चीज तौलते हैं ना, वैसे ही एसिड को तौलने का पैमाना है कि एसिड की मात्रा कितनी है, तो वो पीएच। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन उसको करके, शायद आपने 12th में केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं। उसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु को नापने तौलने के कुछ यूनिट होते हैं, कुछ इकाई होते हैं, वैसे ही एसिड को नापने तौलने का एक इकाई है, उसको पीएच कहते हैं। वो पीएच जो है सामान्य जो माना जाता है वो 7 होता है। 7 से नीचे जितना पीएच होता है वो सब एसिड होता है। जितना कम होगा 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, जितना कम होता जाएगा एसिड बढ़ता जाएगा। 7 के ऊपर जितना वो सब बेस होता है, क्षार होता है। तो 7 के ऊपर भी पीने के काम का नहीं, 7 के नीचे भी पीने का काम का नहीं। एसिडिटी अगर बढ़ाएगा तो एसिड हो जाएगा, क्षार से दूसरे प्रॉब्लम होते हैं शरीर में। तो इसका जो पीएच है वो 2.4 है, और लगभग इतना ही पीएच उसका है फिनाइल का, जो हर्षद भाई बना के दिखा रहे हैं आपको। आज सवेरे आपने फिनाइल बना के देखा, तो फिनाइल पीना और पेप्सी पीना दोनों बराबर है। अब वो ब्लैक फिनाइल है या व्हाइट फिनाइल है। ब्लैक फिनाइल का पीएच 2.4 होता है, व्हाइट फिनाइल का लगभग 2.8 होता है। तो पेप्सी, कोका, लहर टीम, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, उनका क्वालिटी फिनाइल, हार्पिक, इन्हीं के बराबर का है। तो वो बार बार मैं कहता ना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब आज का अखबार कह रहा ठंडा मतलब पेस्टिसाइड, तो अब ठंडा मतलब पेस्टिसाइड प्लस टॉयलेट क्लीनर। अब ये बात आप अपने उसमें डालिए, पेपर में डालिए इस तरह का। तो इसमें ये रिपोर्ट छाप दीजिए, ये रिपोर्ट पूरे एक वो है कॉलम में बनी हुई है, इसको एज इट इज ले लीजिए। बस इसमें हिंदी करिए, कहीं गुजराती करिए, कहीं मराठी करिए, वो इसको छाप दीजिए आप। ये कॉपी हम फोटोकॉपी करा के शाम तक आपको दे देंगे या कल दिलवा देंगे। आपके पास कितनी कॉपी है? 9 है, तो राज्य के हिसाब से दे दीजिए, 100 कॉपी करा लेते। चलिए ठीक है, कल तक और करा देंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो उसकी जरूरत नहीं है, किताब का नाम देने की जरूरत नहीं है। ये नहीं नहीं, उसमें प्रॉब्लम दूसरी है। किताब वाला कल को मुकर गया तो आप फंस जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल इसकी किताब का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे कहिए कि ये लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट है, लेबोरेटरी का नाम इसमें है। जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें नाम, तो लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट है, लेबोरेटरी का नाम भी अब देने की जरूरत नहीं। अब तो चूंकि अखबार में आ गया ना, प्रमाण तो तब चाहिए जब किसी को मालूम नहीं है, अब तो पूरे देश को मालूम है। अब इसमें और भी कुछ दिया है, डिटेल है पूरा। अभी इसमें कैलोरीफिक वैल्यू का भी दिया हुआ है, शुगर परसेंटेज का दिया हुआ है, कैलोरीज का दिया हुआ है, इसमें बेंजोइक एसिड किसमें कितना है उसका दिया हुआ है, डिटेल सारा है। हैवी मेटल्स कितने हैं, दूसरे इसके पैरामीटर्स हैं, वो सब 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 है। प्लस ये आज की रिपोर्ट है, आज की जो रिपोर्ट है उसमें जो उन्होंने बताया है टेस्ट करके,
कि पेप्सी, कोका, थम्सअप, ये 12 तरह के ब्रांड नेम उन्होंने टेस्ट किए, जिसमें डीडीटी भी है। डीडीटी है 15 टाइम्स ज्यादा है जो परमिसिबल लिमिट है हिंदुस्तान में उससे। तो डीडीटी है, डीडीटी को भारत सरकार ने बंद कर दिया है, नाली के सामने भी नहीं छिड़क सकते अभी आप डीडीटी। वो डीडीटी जिसको आप अपने घर में कीचड़ पे भी नहीं डाल सकते, नाली के सामने भी नहीं छिड़क सकते, मच्छर मारने में भी काम नहीं ला सकते, वो डीडीटी पेप्सी कोला में है, वो कोका कोला में है। और वो जो लिमिट होनी चाहिए उससे 15 गुना ज्यादा है। ये मैं अभी इसके बारे में हम सुनीता नारायण की रिपोर्ट मंगा लेंगे तो ये प्रश्न का हल हो जाएगा कि ये पानी से आया है या इन्होंने मिलाया है। है कि अमेरिका में कोई भी पेप्सी कोक का अगर हम मानक माने यूनिट लें तो उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, जीरो। हिंदुस्तान में उससे 15 गुना ज्यादा डीडीटी है, 21 गुना ज्यादा क्लोरोफिरोस है, वहां बिल्कुल नहीं, जीरो है। नहीं नहीं, वो तो उनके उनके यहां जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से हमारे यहां 15 गुना ज्यादा है। तो वो डीडीटी है, फिर क्लोरोफिलोस है, फिर मेलाथियोन है, और मेलाथियोन जो है 42 गुना ज्यादा है, 42 टाइम्स ज्यादा है। फिर उसके बाद मेलाथियोन के बाद लिंडेन, जो हाई सबसे ज्यादा डेंजरस लिंडेन, वो 87 गुना ज्यादा है, 87 टाइम्स। फिर उन्होंने एक एक उसमें बताया है कि जैसे लेमन में लिंडेन 70 गुना ज्यादा है, कोका कोला में 45 गुना ज्यादा है, फेंटा में 43 गुना ज्यादा है, पेप्सी में 37 गुना ज्यादा है, सेवन अप में 33 गुना ज्यादा है, ब्लू पेप्सी में 20 गुना ज्यादा है, माउंटेन ड्यू अभी एक नया आया उसमें 28 गुना ज्यादा है, थम्सअप में 22 गुना ज्यादा है, डाइट पेप्सी में 14 गुना ज्यादा है, और स्प्राइट में 11 गुना ज्यादा है। तो रिपोर्ट का ये हिस्सा एक जो अभी आया, फिर 97 की रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसमें इन्होंने ये टेस्ट नहीं किया, आर्सेनिक इन्होंने नहीं बताया, लेड इन्होंने नहीं बताया, और जिंक इन्होंने नहीं बताया, कॉपर इन्होंने नहीं बताया। तो आर्सेनिक, लेड, जिंक, कॉपर पुरानी रिपोर्ट का, नई रिपोर्ट का ये दोनों मिलाकर एक पन्ने में पूरा वो बनाइए, और एक पन्ना उसके बारे में आप पुराना जो अपना मटेरियल है पेप्सी कोक का तैयार किया हो उसमें से लिख दीजिए। और सुनील आगीवाल जी, आपके पास है कोई सैंपल जो आपने लिखा था ये पेप्सी कोक के बारे में? संवेदना में है। अच्छा, वो बार्क वाली रिपोर्ट है क्या संवेदना में? भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जरा निकालो ये। तो ये संवेदना अपना जो मैगजीन निकला माने स्मारिका है स्वानंद मेले वाली, कोटा स्वानंद मेले, इसमें एक बार्क की रिपोर्ट दी है भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो चेक किया पेप्सी कोक का, वो रिपोर्ट भी इसमें है। तो वो रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में जो भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने जो पाया है, हाइड्रोक्सी मिथाइल एक केमिकल है, उसकी मात्रा उन्होंने बताया, माने जो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने एक तीसरे केमिकल का प्रेजेंस इसमें बताया जो 97 के रिपोर्ट में भी नहीं है और ये लास्ट डे रिपोर्ट में भी नहीं है, वो इसमें है अपने संवेदना में पेज नंबर 133 पे। तो वो भी ले लीजिए। और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल जो होता है केमिकल, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसने बताया है। ये न्यूरोटॉक्सिक है, जेनोटॉक्सिक है, साइटोटॉक्सिक है, तीनों। माने न्यूरोटॉक्सिक होने का माने आपके दिमाग को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज करने की क्षमता रखने वाला कोई केमिकल। इसी तरह से जेनोटॉक्सिक, आपके जेनेटिक मटेरियल को खत्म कर देने की क्षमता रखने वाला कोई भी केमिकल। अब आप सोचिए इससे ज्यादा खतरनाक जहर क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल डैमेज कर दे कोई केमिकल, जिसके बाद तो कोई चांस नहीं है आपका। न्यूरोटॉक्सिसिटी है तो चलो उसको दूर करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप ये जेनेटिक मटेरियल गया आपका, फिर तो आप क्या कर सकते हैं। हाँ, नपुंसकता आ सकती है, कुछ है। हाँ, चाइल्ड आपके अगर बच्चे पैदा होते हैं वो डिफेक्टिव होंगे, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, विचित्र विचित्र किस्म की बीमारी। तो इतने खराब केमिकल्स जो हैं, और वो साइंटिस्ट ने कहा कि इट इज वेरी हॉरिबल, उसका जो सेंटेंस है रिपोर्ट में ही लिखा, इट इज वेरी हॉरिबल, जिसने टेस्टिंग किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ये डेट है, उसने 24th अगस्त 2001 को ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है, और 25th अगस्त 2001 को ये हिंदुस्तान के सभी न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, हिंदू वगैरह वगैरह वगैरह। तो 25th अगस्त का कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर मिल जाए, डिटेल रिपोर्टें नहीं मिले तो यहां से लेंगे, संवेदना में ये है। तो इसमें से ये लेकर ये रिपोर्ट में से आप ले लीजिए, इसको थोड़ा हिंदी करना पड़ेगा किसी को गुजराती करना पड़ेगा, किसी को उसका मराठी, किसी को कन्नड़, किसी को तमिल, किसी को तेलुगु, लेकिन होना चाहिए ये सब लोकल लैंग्वेजेस में। वो हम कर देंगे, लेकिन भेजने से अच्छा ये है कि संवेदना सबके पास है ना, ये नहीं है तो ये ले लो, आप यहां रखवा देते हैं, ये आप ले लो, ये इसलिए भी है। हाँ अच्छा, उसके बाद ये जो पेप्सी कोक का पीएच वैल्यू का है वो इसमें भी है, ये जो पीएच वैल्यू का है ना वो इसमें भी है, 2.48 पेप्सी का है, कोका कोला का 2.42 है, थम्सअप का 2.41 है, लिमका का 2.80 है, तो इसमें चार का है। तो ये आप ले लीजिए संवेदना का एक एक अंक, ये आपके लिए बहुत अभी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये रखिए आप इसको, क्योंकि अब आपको 25th अगस्त 2001 का न्यूज़पेपर मिल जाए तो अच्छा, अब नहीं मिलेगा तो ये तो है ना अपने पास, अपन ने न्यूज़पेपर को एज इट इज इसमें प्रिंट किया है। तो ये एक एक अंक आप ले लीजिए, एक प्लस आज के न्यूज़पेपर सबने देखे ही हैं, आज के न्यूज़पेपर खरीदवा लीजिए, और आप यहां से फोन करके अपने अपने घर में मोहल्ले में कहिए कि कॉपी रिजर्व रखें, क्योंकि ये न्यूज सभी जगह आई है, ये तमिल न्यूज़पेपर में भी है, कन्नड़ में भी है, पूरे देश में है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया सब में है, तो गुजराती में भी है। तो और ये पुरानी न्यूज जो है वो ये है 97 की, तो 97 वाली हम फोटोकॉपी करवा रहे हैं, इसकी 50 कॉपी बनवा के आप सबको कल मिल जाएगा। तो ये पुराना रिपोर्ट प्लस संवेदना रिपोर्ट प्लस ये आज का, ये तीनों को मिक्स करके चार पन्ने का पैम्पलेट बनेगा, कम से कम चार पन्ने का पैम्पलेट में कम से कम तीन पन्ने तो आपके ये रिपोर्ट के ही हो जाएंगे। अब रिपोर्ट को लिखने का तरीका ये है, हमें क्या चीज हाईलाइट करनी है वो आप इनसे पूछिए, हमारे ये जो मित्र हैं अभय प्रताप हैं, ये संत समीर हैं, जिनको न्यूज लिखना आता है, जिनको एडिट करना आता है, कौन सा हिस्सा है जिसको हाईलाइट किया जाएगा वो आप इनसे सीख लीजिए, फिर आप अपने अपने हिसाब से बनाइए। मैं कोई मॉडल बना के नहीं देना चाहता, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क भी होगा, अगर हमने बना दिया तो आप कुछ एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। तो आप इनसे इतना हिंट ले लीजिए कि जब ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जाती है जो हाईली सेंसिटिव होती है, उसमें कौन सा हिस्सा होता है जो हाईलाइट किया जाता है, वो आपको बता देंगे, न्यूज़पेपर के हिसाब से भी, आम आदमी के हिसाब से, दोनों का ध्यान रखेंगे। न्यूज़पेपर के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से, जो हाईलाइट करने वाला हिस्सा है वो सबसे पहले आता है, और वो उसमें हाईलाइट करने का यही है। अब जैसे अंग्रेजी में बनाएंगे तो ये न्यूरोटॉक्सिक है, जेनोटॉक्सिक है, साइटोटॉक्सिक है, ये शब्द है ना, ये पहले आ जाएंगे, फिर उनका इफेक्ट क्या होता है वो नेक्स्ट में आ जाएगा, फिर वो क्यों है न्यूरोटॉक्सिक, क्यों है साइटोटॉक्सिक, क्यों है जेनोटॉक्सिक, तो ये केमिकल के प्रेजेंस के कारण है, फिर वो केमिकल का क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कर करके वो बढ़ता जाए, फिर लास्ट में वो पूरा लिस्ट आ जाएगा कि देखो ये है। हम नहीं कहते लेबोरेटरी ये कहती है, हम नहीं कहते भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तो ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीज किया था, जो आसानी से कोई करता नहीं। तो ये तीनों रिपोर्ट को मिलाकर फिर चार पन्ने का नया पेम्पलेट बनाइए, उस पेम्पलेट के हिसाब से फिर आप इसको लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करिए। अब उसके आधार पर आप कार्यक्रम तय कर लीजिए, स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना, मंदिरों में जाना, मठों में जाना, कोई सभा हो रही है सभा में जाना,
जहां भी जाना है, स्टेशन पे जाना, कहीं भी जाना, पैम्पलेट देना एक, बातें करना लोगों से, भाषण देना दो। और इसमें सबसे अच्छा एक तीसरा तरीका मैं बताता हूं, अपनी हर एक लोकल इकाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्टर तो है अपने पास, उसको ले जाइए साथ। वो समझाएगा ये न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है, आपको थोड़ा सा जीव लड़खड़ाएगी बोलने में, लेकिन वो आसानी से बताएगा ये न्यूरोटॉक्सिक क्या है, साइटोटॉक्सिक क्या है, जेनोटॉक्सिक क्या है। तो इस तरह से हर एक जगह तो डॉक्टर्स हैं अपने पास, ये तो सौभाग्य है, अच्छा ही है कि हर जगह इकाई में कोई ना कोई एक दो डॉक्टर इन्वॉल्व है। उनको साथ लेके स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके एक आधा घंटे का, पौना घंटे का बात करा के, और वो बात को फिर आगे कैंपेन में बदलवा के। अब लौटते ही अगर आप ये करना चाहते हैं कि कोई रैली निकालना है तो रैली निकालिए, प्रदर्शन करना है प्रदर्शन करिए, पेप्सी कोक का अगर आपको पुतला जलाना है तो पुतला जलाइए, साथ में सचिन तेंदुलकर का भी जलाइए, अमिताभ बच्चन का भी जलाइए, और एक ऐसा अभियान चलाइए कि ये तेंदुलकर अमिताभ बच्चन के पुतले पे मास कैंपेन करिए थूकने का, स्पिटिंग, हाँ ऐसा करिए इसका। हाँ, सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा फोटोग्राफ एक तरह अमिताभ बच्चन का, और लोगों को कहिए कि थूको इस पे आके। हाँ, न्यूज वैल्यू तो उसी की है। हाँ, जहर बेचने वाले, हिंदुस्तान के लोगों को मारने वाले, आने वाली पीढ़ी को नपुंसक बनाने वाले, आने वाली पीढ़ी को, हिंदुस्तान को नकामी बनाने वाले, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सबके लगाइए पोस्टर, और अपील करिए लोगों से एक दिन पहले कि हम ऐसा अभियान करने वाले हैं, मास कैंपेन होगा, दिन भर में 10-20 हजार लोग थूक के चले जाएं उस पर। ये जो है ना, ये खबर अमेरिका तक पहुंच जाएगी, और इसका महत्व तो बहुत है। हिंदुस्तान में तो किसी के मुंह पे थूक दिया आपने, इससे ज्यादा बेइज्जती कुछ होती नहीं। आपने किसी को पीटा, उससे भी ज्यादा थूक दिया उसके मुंह। और थूको अभियान फिर दूसरा, एक अभियान ये हुआ, दूसरा अभियान उसका जिन्होंने लाइसेंस दिया, जिन्होंने लाइसेंस दिया हिंदुस्तान में पेप्सी कोला कंपनी को, जिस नेता ने लाइसेंस दिया, जिस नेता ने पेप्सी कोका कोला को टैक्स हॉलीडे दिया, जैसे कर्नाटक का एसएम कृष्णा, जब से एसएम कृष्णा चीफ मिनिस्टर है पूरे कर्नाटक में पेप्सी कोक को टोटल टैक्स फ्री है, कोई टैक्स ही नहीं। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में किया, चलिए एक दिन तय कर लीजिए 15 अगस्त। हाँ ठीक है, 15 अगस्त, 15 अगस्त को मास कैंपेन होगा, सब अपने आंदोलन के कार्यकर्ता। हाँ हाँ, तो न्यूज मुश्किल। अच्छा, 14 कर लें, 14 इसमें जो है, इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अच्छा होता 9 अगस्त को होता, लेकिन चूंकि 9 अगस्त यहाँ पे हम सब रहेंगे, 9 अगस्त की शाम को यहाँ से रवाना होंगे, 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस है, हम सबको याद है 9 अगस्त 1942। तो 9 अगस्त को होता तो बहुत अच्छा होता। अब 9 अगस्त को अगर कहीं हो सकता है तो नागपुर वाले कर सकते हैं। नौ अगस्त को, हाँ नागपुर करना ज्यादा अच्छा है। नागपुर इसलिए अच्छा है कि मीडिया सबसे ज्यादा नागपुर में है। नहीं, वो शिविर का तो खैर वैसे भी आ जाएगा। नागपुर कार्यकर्ताओं को आप सूचना दीजिए कि 9 अगस्त को थूको अभियान, पेप्सी कोला पर थूको, सचिन तेंदुलकर पर थूको, अमिताभ बच्चन पर थूको। ये जो है ना, इसका एक तो ये एक तो भारतीय अभियान है पूरी तरह से, इसमें वेस्टर्न कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में किसी की बेइज्जती करना तो उसके मुंह पे थूक दिया, मुहावरा है ना कि मैं तो उसके मुंह पे थूक के आया, माने मैंने उसकी बेइज्जती कर दिया। तो अभी ये बेइज्जती करना ही है अपने को,
और इन लोगों की जिन्होंने पेप्सी कोक का प्रचार किया, जिन्होंने पेप्सी कोक को लाइसेंस दिया और जिन्होंने पेप्सी कोक को हिंदुस्तान में बढ़ाने का या डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करने का काम किया। तो अब आप देख लो कि कौन कौन जाहिरात करता। नागपुर वालों को थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, कहीं से तेंदुलकर का फोटो लाना, कहीं से अमिताभ बच्चन का लाना, पोस्टर लाना, मार्केट से खरीदना। आप आज फोन कर दो और उसके साथ साथ वो पॉलिटिशियंस का जिन्होंने इस देश में पेप्सी को लाइस, वो सेकंड फेज में रखो, फर्स्ट फेज में ये करो। हाँ, इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, इसको फर्स्ट फेज में करो और इसमें ऐसा ऐसा एक डेट दे दें कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक हफ्ते आजादी बचाओ आंदोलन पूरे देश में ये अभियान चलाएगा। हाँ तो ठीक है, वो ठीक है। तो आज ये तय करते हैं कि 9 अगस्त से 15 अगस्त या ज्यादा करना है। यहां से शुरू हो गया, उसके बाद अपने अपने घर जाके हाँ वो ठीक। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 9 से लेके 15 अगस्त का पूरा एक सप्ताह हम ऐसा चलाएंगे, जिसको जिस दिन सुविधा है वो कर ले अपने, ठीक है। इसको चाहे तो 21 अगस्त भी कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा करें, 9 अगस्त से 21 अगस्त पूरा कर लें एक पखवाड़ा, एक 15 दिन का पखवाड़ा पेप्सी कोक बहिष्कार का, 15 दिन का। उसमें आपको अपनी अपनी थोड़ी छूट भी रहेगी, किसी ने 9 अगस्त को कर लिया, कोई 10 को करेगा, कोई 12 को, कोई 15 को, कोई 17 को, कोई 21 को, ऐसा हो जाएगा। हाँ बोलिए। हम पॉलिटिशियंस को फोटो को मारना मत, क्योंकि हमको सपोर्टर्स नहीं मिलेगा। अच्छा, इन एवरी पार्टी देयर विल बी सम, वी विल गेट सम सपोर्टर्स। ठीक है, इस पे उनका सुझाव है, हम सोचे। लेकिन पहला मेरा ये मानना है कि 9 अगस्त से 21 अगस्त हमारा ये कैंपेन चलेगा, जिसमें पेप्सी कोक के प्रमोटर्स को चौराहे पर हम बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती करने के लिए प्रतीक रूप में उनके पोस्टर पे थूकने का अभियान, और इसमें समाज को अपील करेंगे, आप आओ, हम तो करने ही वाले हैं, दूसरे लोग भी आए, और पूरा दिन भर चले, कहीं एक चौराहे पे, कहीं दूसरे पे, कहीं तीसरे पे, कहीं चौथे पे एक, और उस समय जो भी थूकने आ रहा है उसको वो एक पत्रक जो अभी बन गया है, माने आप 8 दिन में तो पत्रक छपा ही लेंगे ऐसा मैं मानता हूं, तो 8-1 दिन में पत्रक आप छपा लेंगे। पत्रक आपका छप गया तो हर एक आने वाले को आपने पत्रक दिया, उसको वैसे थोड़ी जानकारी तो हो ही गई है, थोड़ी और ज्यादा पत्रक से हो जाएगी। फिर 21 अगस्त के बाद वही पत्रक लेके आप ऐसा भी करिए कि 21 अगस्त तक कुछ स्कूल कॉलेजों में संपर्क करके बच्चों को भी बुलाइए इस अभियान के लिए, तुम भी आओ थूकने के लिए। कुछ विद्यार्थी आ गए, कुछ अध्यापक आ गए, कुछ किसान आ गए, कुछ मजदूर आ गए। हाँ हाँ, वहां कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया, फाइनल हो गया। अब इसमें मेरा एक ही निवेदन है कि आपको जब भी थोड़ा समय खाली मिले, अभी आज देखिए कभी खाली मिलता है, तो आप ये अभय प्रताप संसमीर के साथ बैठकर क्या चीज हाईलाइट होगी इसमें, उसको नोट करके ये रिपोर्ट की कॉपी आपको मिल जाएगी। ये तो संवेदना का अंक तो आप ले लेंगे, और जो आज की वो है जो न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ वो सब आप अपने घर जाएंगे तो आज का अखबार सबको मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से, वैसे एक दो अखबार मैंने मंगाया है जिसमें डिटेल आया होगा, ये तो जैसे ही वो मिल जाएगा वो हम करेंगे। और एक आखिरी कोशिश हम ये करेंगे, हफ्ते भर के अंदर सीएसई की रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाएगी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट जहां पर ये टेस्टिंग हुआ है उनकी रिपोर्ट शायद हफ्ते भर में हमारे हाथ में आ जाएगी, तो वो रिपोर्ट की कॉपी भी हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो रिपोर्ट आए उसके बाद हम प्रिंट करें इसका इंतजार नहीं करना। आपके पास जो है मटेरियल है वो बहुत सब्सटेंशियल है, 97 की रिपोर्ट बहुत डिटेल रिपोर्ट है,
उसके पहले बार्क की रिपोर्ट, ये अगस्त 25, 2001, ये काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है, और प्लस आज की रिपोर्ट, ये तीन सफिशियंट। आर्सेनिक उन्होंने बताया है, 3 आर्सेनिक नील है इसमें, लेकिन सब में नील नहीं है, कुछ में है, पेप्सी में है, थम्सअप में नील है, फेंटा में है, किसी में नील है, अलग अलग में है, कैडमियम का भी ऐसे ही है, और डिटेल है आप देखना इसमें। और इसमें देखिए, एक ये रिपोर्ट तो मैं बार बार पढ़ चुका हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें एडिट करने लायक कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट इतने कम शब्दों में लिखी गई है, एडिट करने लायक कुछ नहीं है, सरल अंग्रेजी है, आप बहुत आसानी से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है ना, वो आप छोड़ देना, ये रिपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ है मैन्युफैक्चरर्स व्यूज करके, वो छोड़ देना, माने जो बनाने वाले हैं उनको इन्होंने इंटरव्यू लिया था ये मैगजीन वालों ने, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आज है, उन्होंने कहा भाई अमेरिका में भी है, यहां भी थोड़ा है, अब भारत, इन्होंने तो ये कहा कि भारत सरकार ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया तो हम क्या करें, अमेरिका में तो स्टैंडर्ड है कि 5.8 से नीचे पीएच हो नहीं सकता, यहां ऐसा कोई बीआईएस स्टैंडर्ड नहीं है, तो उन्होंने एक्सक्यूज किया अपने आप को। तो ये लास्ट पैराग्राफ आप छोड़ देना और बाकी इसमें से सब ले लेना, कुछ कुछ इसमें चीजें लगेंगी जो आपको समझ में ना आए उसको छोड़ देना। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी इसमें है, वो आप चाहे तो ले सकते हैं। और जो टेस्ट के आधार पर देखिए, 1000 ग्राम, 1000वां हिस्सा 1 ग्राम, और 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा 1 मिलीग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1,000,000 मिलीग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम में से अगर 100 मिलीग्राम हुआ तो 100 पार्ट्स पर मिलियन हुआ, 100 ppm। तो अगर ये कोई बोलते हैं कि 40 ppm है, तो उसका मतलब ये है 1 किलोग्राम में से 40 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में से 40 मिलीग्राम, तो 40 ppm हो गया। अभी ये सब जो रिसर्च किया है सुनीता नारायण, वो जो CSE का है, उसका आप वेबसाइट में भी चले ले सकते हैं, उसका वेबसाइट का एड्रेस है CSEIndia.org, CSEINDIA, CSEIndia.org, CSE माने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSEIndia.org। और CSEIndia.org ये जो साइंस एंड एनवायरमेंट जो संस्था है, वे एक मैगजीन चलाते हैं, उसका नाम है डाउन टू अर्थ। तो उसमें 21 जुलाई 2001 का एक डाउन टू अर्थ में एक फोटो भी आया है, जो पेप्सी कोक का बोतलों को क्रेन की सहायता में ये किचन, वो उसको क्या कहते हैं, आप अंग्रेजी में बोल दो, गार्बेज, कचरे हम डालते हैं ना, वहां फेंकने वाले एक तस्वीर भी आया हुआ है, वो 4 कलर का, मल्टी कलर का तस्वीर है, वो भी अगर आपको मिले तो वो भी आप ये कर पत्र में डाल सकते हैं। मेरे पास वो तस्वीर है, वो कंप्यूटर में भी है, अगर आपको वो तस्वीर चाहिए तो आप अपने ईमेल एड्रेस दिया तो मैं आपको ईमेल एड्रेस में मैं उसको भेज देता हूँ। और एक रिपोर्ट आया था 21 मई 2002 टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका विषय है ये कि अमेरिकन स्कूल्स बैनिश कोक, अमेरिका में बहुत ही स्कूल्स में बंद हो गया पेप्सी कोक, कैलिफोर्निया में रिपोर्ट आया, यूनिवर्सिटीज में कई जगह बैन हो गया है। तो उसका रिपोर्ट है जो ये बार्क का रिपोर्ट है, उसके साथ अगर ये भी आप जेरॉक्स करके डाल, आप जब स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाते हैं तो आप उसको रेफर करते हुए आप कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका में इसका बैन हुआ है, आप पिक कीजिए। डेट 21/5/2002 टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 मई 2002
उसका मेरे पास जराक्स है। नहीं नहीं, ये तो न्यूज़पेपर में सभी में है, ये अमेरिका का जो रिपोर्ट है। हाँ, कि अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैन हुआ है। मेल पे नहीं है वो, उसका जराक्स है। मेरा ईमेल एड्रेस है bp.harichandra@yahoo.com। अभी इसमें जो मैंने आपसे कहा कि जो टेस्ट है ना, वो उसका नाम जरा डाल देना। ये जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट है। हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होता है, जिसमें 8-10 महीने लग जाते हैं 300 मिलीग्राम को टेस्ट करने में। ये सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही होता है ज्यादातर, लेकिन अब ये हिंदुस्तान में भी होने लगा, इसकी फैसिलिटीज यहाँ भी अवेलेबल है। तो ये लेटेस्ट टेस्ट यही होता है। ये जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं हमारे पेप्सी कोक, इनको टेस्ट करने के लिए यूरोप में जो यूज किया जाता है वो यही टेस्ट है, हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट कहते हैं। तो हेडोनिक टेस्ट स्केलिंग रिपोर्ट के अनुसार, उसमें कहीं ब्रैकेट में लिख देना, तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में जाएगा ना, कोई साइंटिस्ट के हाथ में गया, केमिस्ट के हाथ में गया, तो उसके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट इसमें है, आप जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इन लास्ट पेज पर है, लास्ट पेज के फ्रंट में, वो जरा ध्यान रखना, बस इतना ही है। भले ब्रैकेट में कहीं डाल देना, ये सब लिख दिया, उसके नीचे एक ब्रैकेट में लिख देना कि ये सारा रिपोर्ट जो है हेडोनिक टेस्ट स्केलिंग है, माने ये टेस्ट किया हेडोनिक टेस्ट, उसका जो स्केल होता उस पर ये बनाया हुआ रिपोर्ट है। और हिंदुस्तान दुनिया में सब जगह यही आजकल चलता है। FDA नहीं, नहीं, FDA वाले कर सकते हैं, बशर्ते कि गवर्नमेंट उनको कहे तो। FDA क्या है कि वो तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब तक सरकार आदेश नहीं देती तब तक वो कुछ। हाँ, तो इसलिए देखिए, ये पेप्सी कोक वाले चालाकी यही करेंगे कि आपने पता नहीं किस स्केल पर टेस्ट किया, हमें क्या मालूम, हिंदुस्तान में तो कुछ भी होता रहता है। तो इसलिए आप जब मेंशन करें इस बात को, तो ये जरूरी है, इसको रेखांकित कर दें, ब्रैकेट में डाल दें कि ये किस स्केल का टेस्ट है, ये स्केल का टेस्ट है, तो वो एकदम निरुत्तर होंगे। एक और मैं आपको एक लेटर भी दे दूंगा, पेप्सी चीफ का एक लेटर है जिसमें उसने ये स्वीकार किया है ये सब। हाँ, पेप्सी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने स्वीकार किया है, ये उसको ईमेल किया था, उसने वापस ईमेल करके स्वीकार किया, और उसने ये भी कहा कि मैं नहीं पीता, पेप्सी में काम करने वाला कोई ऑफिसर पेप्सी नहीं पीता, कोका कोला में काम करने वाला कोई कोका कोला नहीं पीता। ये उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कितना जहरीला है। तो वो रिपोर्ट भी हम आपको किसी स्टेज में दे देंगे, वो मेरे पास था, मैंने किसी को दे दिया, याद नहीं आ रहा है, ईमेल कराया था मैंने पेप्सी के चीफ को अमेरिका में, उसका जवाब आया था, उसमें ये उसने स्वीकार किया था, और उसने ये भी लिख दिया था कि ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम है तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, माने आप पीते हैं, मैं नहीं पीता। नहीं, वो तो खैर बाद की बात है, अभी ये तो सरकार करेगी। आज की अच्छी खबर ये है कि आज लोकसभा राज्यसभा दोनों की कैंटीन में पेप्सी बैन हो गया है, दोपहर की न्यूज है। लोकसभा राज्यसभा दोनों की कैंटीन में पेप्सी कोका कोला टोटली बैन हो गया है। रेल मंत्रालय ने पहले ही बैन कर दिया था इसको, डिफेंस मिनिस्ट्री में पहले से बैन था ये, अभी आज ऑर्डर है सरकार का कि सभी मिनिस्ट्री के कैंटीन में पेप्सी कोक बैन हो जाए। है, चलिए अब ये विषय को हम पूरा करें, अब उसके आगे। हाँ, आप कुछ, आप सभी को मालूम होगा कि आज से करीब करीब मेरे ख्याल से 2 साल पहले यूरोप के जो दो देशों ने भी इसके ऊपर बैन लगाया था, सभी पेपर में आया था। हाँ, फ्रांस और कोई ब्राजील नहीं, यूरोप के थे दो देश,
बेल्जियम में आया था और वो सभी न्यूज़पेपर में आया था। अगर वो कहीं से इसकी क्यों बंद किया गया था वहाँ की, और कोक पेप्सी और कोक को ही बंद किया गया था वहाँ पर, तो वो अगर कहीं से मिलती होंगी उसकी रिपोर्ट क्यों किस वजह से वहाँ बंद किया गया, तो जरा इसको सपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा ये जो है, जो अपने पास एक रिपोर्ट है वो अंग्रेजी में, अगर उसका यहीं से अगर भाषांतर करके अगर मिलता है, क्योंकि हमको बहुत अड़चन जाती है उसको ये करने के लिए। हम देखिए कोशिश ये करेंगे कि इसका हिंदी कर दें, क्योंकि यहाँ जो भाषांतर हो सकता है वो हिंदी हो सकता है, तो आपको हिंदी भी मिल जाए कोशिश करेंगे। परसों तक आप तो हैं यहाँ पर, 9 को जाएंगे, तो आज ही हम रात को बैठकर इसको अंग्रेजी से हिंदी करा देंगे, और हिंदी होने के बाद आपको 9 तारीख की सवेरे तक ये मिल जाए। लेकिन ये इंग्लिश भी रखिए, हिंदी तो मिल ही जाएगा, और लोकल लैंग्वेज में आपको करना है अपने अपने गांव में, मराठी में, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जो भी है, उड़िया है तो उड़िया। हाँ, और ये हाँ, इसमें नहीं हो सकता। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपसे एक बात कही, अभी तक भारत सरकार ने कोई इसका स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया, BIS जो स्टैंडर्ड होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो नहीं बनाया, लेकिन टूथपेस्ट के लिए बना हुआ है। टूथपेस्ट के लिए BIS स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसका एक मानक है टूथपेस्ट का, भारत में उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से मानक है कि इसमें इतना टका ये होना चाहिए, इतना टका ये, इतना टका ये। पेप्सी कोक के बारे में अभी तक भारत सरकार ने नहीं बनाया। तो आप कोर्ट में जो चैलेंज करते हैं वो क्या चैलेंज करते हैं, दो चीजें, या तो वो कोई लॉ को वायलेट कर रहे हैं, या तो वो स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो अब चूंकि BIS स्टैंडर्ड नहीं बनाया अभी तक सरकार ने, FDA भी ढीला है क्योंकि सरकार इनके फेवर की है, इसलिए नहीं बनाया आज तक, तो इसलिए ये कोर्ट में जाना इसके लिए मुश्किल है। लेकिन इसके लिए अभी अपने पास जो सबसे बड़ा काम है वो इन्होंने किया है, ये रिपोर्ट्स जो हैं, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट, कि ये जनता की अदालत में लड़िए आप इस लड़ाई को। हाँ, इनके खिलाफ हो सकता है, अब इनके खिलाफ केस हो जाएगा, अमिताभ बच्चन के खिलाफ, तेंदुलकर के खिलाफ, आमिर खान के खिलाफ, इनके इनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है, तो इनको इनके खिलाफ जरूर कराएंगे, इनके खिलाफ होगा, क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ के लिए बुरा है उसका प्रमोशन इन्होंने किया और पूरे उसके मानकों को तोड़कर किया, इनके खिलाफ हो जाएगा, उसके लिए देखेंगे क्या बनता है। नहीं, कोर्ट में इसमें नहीं, कोर्ट इसमें क्या करेगा, कोर्ट इसमें भारत सरकार को ऑर्डर दे देगा कि भाई आप BIS स्टैंडर्ड बना दो, वो बनाएंगे, ठीक है, इतना ही कर सकता है, कोर्ट थोड़ा फटकार लगा देगा। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी जो अपने को तत्काल करना है वो ये, कोर्ट में क्या करना है, अमिताभ बच्चन के खिलाफ सूट फाइल करना, वो हम लोग देख लेंगे, अपने जो वकील मित्र हैं उनके साथ बैठ के तय कर ले। पब्लिक कैंपेन अपने को क्या करना है वो ये है, एक तो पत्रक बनाना, पत्रक छपाना, पत्रक बांटना, फिर ये थूकने का अभियान, फिर स्कूल कॉलेज जाने का, मंदिर जाने का, मठों में जाने का, जहां भी संभव हो वहां जाने का, ठीक है। एक दूसरा सुझाव ऐसा था कि ये जो आज खबर आई है उसके बारे में अगर आंदोलन के तरफ से अपने UNI या PTI में अगर ये न्यूज जाती दे है देंगे, तो सभी अखबार दे देंगे, जा सकती है वो, चला जाएगा। और दूसरा ऐसा कहना था कि जो यहाँ दो देशों में बैन हुआ था ये पिछले 2 साल पहले, उसकी अगर पता से हाँ रिपोर्ट आती है तो और भी कई देश होंगे जहाँ बैन है, कर लेंगे पता। अभी आपने कहा कि रेल में और डिफेंस में ये सब बैन है, अभी हम यहाँ पर आए थे तो पैंट्री में बेचते है। नहीं नहीं, रेल मंत्रालय की कैंटीन। अच्छा अच्छा अच्छा, रेल डिफेंस मंत्रालय की कैंटीन, रेल मंत्रालय की कैंटीन, डिफेंस मंत्रालय माने दिल्ली में जो ऑफिस है उसमें जो कैंटीन है वहाँ बैन है, लेकिन सभी कैंटीन में नहीं, जो नीचे हैं। अच्छा, उनके आउटपोस्ट में भी नहीं होता? नहीं नहीं, वहाँ नहीं, जहाँ पे मंत्री बैठता है, मंत्री के नजदीक हमेशा एक मंत्रालय में कैंटीन रहती है, वहाँ बैन है। आज लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, दोपहर की न्यूज है।